नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुभाष चंद्र रॉय नेहरी एनसीईआरटी शिलोंग से हूँ। एनआईओएस के स्टूडियो में आप सबों का स्वागत करता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर हितेश शर्मा हैं जो तेजपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं। आज हम शिक्षण की आगमन एवं निगमन विधियों के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यह विधि पठन पाठन में उपयोगी है। तो डॉक्टर हितेश, आप ये बताएं कि एक प्रभावकारी शिक्षण है क्या? सर, प्रभावकारी शिक्षण, हम उसे प्रभावकारी शिक्षण कहते हैं जब विद्यार्थी सजग रूप से रुचि के साथ कुछ सीखता है। विद्यार्थी को जब कक्षा बोझिल प्रतीत नहीं होती है, वो पूरी रुचि और रस के साथ, जब सारे विद्यार्थी सक्रिय होते हैं कक्षा में और सभी छात्रों की भागीदारी कक्षा में सीखने में ज़्यादा होती है, तब हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रभावकारी है। ऐसी हम कई प्रभावकारी विधियों पर आज बात करने वाले हैं। ये अलग अलग तरह के जो प्रभावकारी शिक्षण विधियाँ हैं, वे कौन कौन सी हैं? शिक्षण की विभिन्न प्रभावकारी विधियाँ होती है। सर्वप्रथम हम यह समझेंगे कि प्रभावकारी विधियाँ किसे कहेंगे। अप्रभावकारी विधियों से आप परिचित होंगे, जब कभी आपने अध्यापन के दौरान अपने आप को जो भी अध्यापन किया जा रहा है उसमें अगर आपकी रुचि नहीं होती है और आपको लगता है कि कक्षा बोरियत से भरी हुई है और आपको अधिगम के लिए आप स्वह जो प्रेरणा होती है और सीखने का जो उत्साह होता है यदि विद्यार्थियों में नहीं है, तो ऐसी विधियों को हम कहेंगे कि यह अप्रभावकारी विधि है। लेकिन प्रभावकारी जो शिक्षण की विधियाँ हैं उसमें छात्र सजग रहता है, छात्र को पढ़ने में रुचि होती है, विद्यार्थी कक्षा में सक्रिय रहते हैं, विद्यार्थियों की कक्षा में भागीदारी और सीखने में भागीदारी सक्रिय रूप से होती है और शिक्षक का जो वहाँ पे भूमिका है वो एक मार्गदर्शक के रूप में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रभावकारी शिक्षण विधि वह है जिसमें छात्रों की, बच्चों की भागीदारी होती है। हाँ, जो विद्यार्थियों केंद्रित अधिक हो, शिक्षक केंद्रित कम हो, उस विधि को हम अधिक प्रभावकारी विधि कहेंगे। फिर यह अनुदेशात्मक विधि, शिक्षण विधि कौन सी होती है? प्रभावकारी शिक्षण विधियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे हमने देखा कि प्रभावकारी शिक्षण में जो विद्यार्थी आनंद का अनुभव करते हैं, विद्यार्थी सुगमतापूर्वक सीखते हैं, विद्यार्थी कम बोझ के साथ सीखते हैं, तो प्रभावकारी विधियों के अंतर्गत हम दो भागों में इन्हें बांट सकते हैं। एक है विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ और दूसरी है अनुदेशनात्मक विधियाँ। अनुदेशनात्मक विधियों में शिक्षक केंद्र में रहता है। जो शिक्षक केंद्रित विधियाँ हैं हम कह सकते हैं उन विधियों को कि ये अनुदेशनात्मक विधियाँ हैं। और जो दूसरी विधियाँ हैं हमारे पास जो हैं विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ। विद्यार्थी अनुकूल विधियों में जो केंद्र में है वो विद्यार्थी रहेगा। जैसे कि हमारे पास जो अनुदेशनात्मक विधियाँ हैं, अनुदेशनात्मक विधियों में हमारे पास है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि से आप सभी परिचित हैं। व्याख्यान विधि के अंतर्गत शिक्षक व्याख्यान देते हैं, विद्यार्थी उसे सुनते हैं। कभी कभी व्याख्यान देते देते शिक्षक बीच में प्रश्न पूछते हैं, विद्यार्थी प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कभी कभी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों के साथ कुछ समय के लिए चर्चा भी करते हैं। लेकिन व्याख्यान विधि में हमने देखा है कि सारे विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं या कुछ ही विद्यार्थियों से शिक्षक प्रश्न कर पाते हैं और सारे विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है। दूसरी विधि है प्रदर्शन विधि। तो प्रदर्शन विधि के दौरान दोस्तों हमें पता है कि प्रदर्शन विधि में किसी क्रिया का, किसी सिद्धांत का विभिन्न उपकरणों के द्वारा शिक्षक प्रयोगशाला में या कक्षा में प्रदर्शन करते हैं और उस प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थी उसे अवलोकन करके उससे कुछ सीखते हैं कि उसके अंदर किसी सिद्धांत, नियम, अवधारणा को आत्मसात करते हैं। लेकिन जो प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन विधि भी एक अनुदेशनात्मक विधि है क्योंकि उसमें शिक्षक केंद्र में रहता है और शिक्षक विद्यार्थियों को प्रदर्शन करके किसी चीज़ को समझाता है। और लेकिन और तीसरी हमारे पास जो अनुदेशनात्मक विधि है वो है आगमन एवं निगमन विधि। हाँ, यह जो बड़ी अच्छी बात आपने करी, जैसा कि दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि विद्यार्थी अनुकूलन विधि वह है जहाँ विद्यार्थी केंद्र में होता है। जी बिल्कुल सही सर, विद्यार्थी अनुकूल विधियों में विद्यार्थी सजग रूप से, सक्रिय रूप से केंद्र में रहता है और शिक्षक केंद्र में नहीं है। शिक्षक की भूमिका एक्टिव नहीं है उतनी कक्षा में, सहायक के रूप में रहता है। तो फिर ये आगमन विधि कौन सी विधि होती है? जैसे कि हमने देखा अनुदेशनात्मक विधि को हमने तीन भागों में बांटा, व्याख्यान, प्रदर्शन, आगमन एवं निगमन। ऐसे ही हमने देखा कि विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि या फिर समस्या समाधान विधि और अन्वेषण विधि,
ये है विद्यार्थी अनुकूल विधियाँ। उस जो हमारे पास जो अनुदेशनात्मक विधियाँ हैं उसमें जो हमारी आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि है, जिसको हम इंग्लिश में इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं, यह आगमन एवं निगमन विधि हेद अनुदेशनात्मक विधि है, लेकिन इसमें छात्र भी सजग रूप से भाग लेते हैं। आगमन विधि को किसी अवधारणा के साथ यदि आप हमारे दर्शकों को बता पाते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। जी सर, जो हमारी जो आगमन विधि है या जो हमारी अनुदेशनात्मक विधियों का एक प्रकार है आगमन विधि, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि आगमनात्मक विधि से यदि किसी प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को पढ़ाना है, मान लीजिए एक प्रकरण लेते हैं हम, शिक्षक पढ़ाना चाहता है कि सजीव वस्तुएं कौन सी है एवं निर्जीव वस्तुएं कौन सी है, तो सजीव वस्तुओं के लिए शिक्षक ने सबसे पहले कुछ उदाहरण विद्यार्थियों से पूछा कि सजीव कौन सी है, तो विद्यार्थियों ने अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने दिन प्रतिदिन की जो क्रियाकलापों से जो सीखते हैं उनके आधार पर उन्होंने कुछ सजीव जीवों के नाम बताए, तो शिक्षक ने फिर उन्हें कुछ चित्र दिए, उसमें से पहचानने को कहा इसमें से सजीव कौन से हैं, फिर शिक्षक ने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, उसमें से उन्हें पहचानने के लिए कहा इनमें से सजीव कौन से हैं, तो कई उदाहरणों के द्वारा शिक्षक ने नहीं बताया कि सजीव किसे कहेंगे निर्जीव किसे कहेंगे, जो अवधारणा है संकल्पना शिक्षक ने स्पष्ट नहीं की, लेकिन विद्यार्थियों से उदाहरण लिए, विद्यार्थियों को उदाहरण प्रस्तुत किए और विद्यार्थियों से पहचान भी किए। यह विधि किस आयु के बच्चे के लिए उपयुक्त होगी? यह विधि ज़्यादा उपयुक्त रहेगी प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, वैसे तो बड़ी कक्षाओं में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में इसका उपयोग ज़्यादा किया जा सकता है। सर, जैसा कि आप देखा, मैंने जैसे जो उदाहरण बताया आपको, उसमें विद्यार्थी को जो निष्कर्ष विद्यार्थियों को निकालने के लिए शिक्षक ने प्रेरित किया, अब आप विद्यार्थी बताइए कि किसे सजीव कहेंगे किसे निर्जीव कहेंगे, एक सजीव के गुण बताइए, सजीव की विशेषताएं बताइए, तो विद्यार्थी खुद बताएंगे अपने आप, उन्होंने खुद ने खोजा, उन्होंने खुद ने समझा और सारे विद्यार्थी सक्रिय रूप से ये बताने के लिए सक्षम हो पाए कि किसे सजीव कहेंगे किसे निर्जीव कहेंगे। एक बड़ी अच्छी बात होती है पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में हम करते करते एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, आगमन की इस विधि में निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाता है? निष्कर्ष पे जो विद्यार्थी हैं आगमनात्मक विधि के अंतर्गत, वो समानता देखते हैं, कई विभिन्न उदाहरणों में समानता और संबंधों को ध्यान से अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं और उनके अनुसार वो गुणों को ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर वो एक निष्कर्ष निकालते हैं। अध्यापन के द्वारा हम करते क्या हैं सर? जब हम अध्यापन करते हैं तो हम या तो किसी अवधारणा को पढ़ाते हैं, तथ्य को पढ़ाते हैं, किसी सिद्धांत को पढ़ाते हैं या किसी नियम को पढ़ाते हैं, तो उन सिद्धांत नियम तथ्यों को पढ़ाने के लिए यदि हम सीधे नियम नहीं बता दें, सीधे निष्कर्ष नहीं बताते हुए विद्यार्थियों को पहले कुछ उदाहरण खुद दें, खुद उदाहरण दूसरों से दें, घटना से परिचित कराएं उन्हें और फिर निष्कर्ष विद्यार्थियों को खुद निकालने को प्रेरित करें, तो वह आगमनात्मक विधि के अंतर्गत आएगा। जी, यदि मैं आपसे पूछूं अपने दर्शकों के लिए कि आगमन विधि के कुछ प्रमुख विशेषताओं को आप बताएं, तो आप कैसे उसको चिन्हित करेंगे? देखिए, हमने देखा अभी कि हम आगमनात्मक विधि के अंतर्गत उदाहरण लेकर और उदाहरण की पहचान कर संकल्पना, नियम, अवधारणा या सिद्धांत को कक्षा में प्रभावी रूप से पढ़ा पाते हैं। इस तरह से जब हमने पढ़ाया तो उसमें विषय में विद्यार्थियों की रुचि अपने आप उत्पन्न होती है। जब विद्यार्थी खुद अन्वेषण कर रहे हैं, खुद विशेषताएं देख रहे हैं, कुछ गुणों की तुलना कर रहे हैं, तो उनमें स्वतः विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और वे अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि आगमनात्मक विधि के अंतर्गत विद्यार्थी सक्रिय हैं, विद्यार्थी रुचि के साथ भाग ले रहे हैं, विद्यार्थी खुद अपनी तरफ से सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं और विद्यार्थी खुद कई आसपास की जो अपने पूर्व ज्ञान और अपने जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं हैं उनके अनुसार जा रहे हैं निष्कर्ष की तरफ। डॉक्टर हितेश, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि आगमन की विधि क्या है। इसी तरह की एक विधि है निगमन की विधि, क्या आप उस पर प्रकाश डालेंगे? जी जरूर सर। जैसे कि हमने देखा कि जो मुख्य बिंदु था आगमनात्मक विधि या आगमन विधि के अंतर, कि यह उदाहरण या घटना के साथ शुरू हुई थी और सूत्र, नियम, अवधारणाओं एवं निष्कर्ष पर समाप्त होती है। और दूसरी चीज़ हमने जब आगमन विधि में देखी थी कि यह प्राथमिक कक्षाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त थी, तो इसके ठीक विपरीत दूसरी विधि है निगमनात्मक विधि। तो निगमनात्मक विधि के अंतर्गत हम जो है कि निष्कर्ष पहले रहता है और उसके बाद विद्यार्थियों से उदाहरण, उसके अनुप्रयोग और उसके मुख्य मुख्य बातों की ओर हम जाते हैं।
मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो निगमनात्मक विधि है वो हमें सामान्य से विशिष्टता की ओर ले जाती है। सामान्यता यानी कि होती है निगमनात्मक विधि में जो हमने नियम है, जो हमने अवधारणा है, जो संकल्पना है, वो हमारा हो गया सामान्यीकरण। हमने पहले से नियम बता दिया, पहले से ही किसी संकल्पना की परिभाषा बता दी और उसके बाद फिर हम उसे विशिष्ट की ओर ले जाते हैं। तो यह हुई निगमनात्मक विधि, यानी कि यहाँ पर हम अमूर्त से मूर्त की ओर जा रहे हैं। जो संकल्पना हमने सीखी, जो हमने नियम, जो सिद्धांत, वो अमूर्त है और जो उसकी जो अनुप्रयोग हैं, जो उसके उदाहरण हैं, वो मूर्त हैं, जो कि विद्यार्थी जानता है। तो अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाने वाली विधि है निगमनात्मक विधि। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिद्धांत, नियम और तथ्यों के अध्यापन के द्वारा हम समस्याओं के समाधान में सहायता करते हैं। क्योंकि पहले हमने निगमनात्मक विधि में पहले नियम से परिचित कराया, उसके बाद फिर हमने उसकी समस्या को विद्यार्थियों से परिचित कराया। तो सर, इसमें यह होता है कि हम इस विधि के द्वारा हम वास्तविक ज्ञान और पूर्व ज्ञान को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करना चाहूँगा यहाँ पर कि निगमनात्मक विधि में जैसे गणित के अंदर हम जब गणित विषय पढ़ाते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, तो उस समय यदि आपने कोई गणित का नियम पहले बताया कक्षा में, आगमनात्मक विधि में तो आपने करा कि पहले विद्यार्थियों से ही निकलवाया और उसके बाद फिर नियम पे पहुंचे। लेकिन यदि आपने पहले जाके नियम बताया कक्षा में, नियम बताया यानी कि आपने बताया, जैसे कि एक उदाहरण में लेना चाहूँगा कि एक समद्विभाजित त्रिभुज होता है, उसमें यदि दो भुजाओं की लंबाई समान है तो विपरीत कोणों का मान हमें सदैव समान होता है, एक नियम है गणित का, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। लेकिन दो तरीके हैं इस नियम को बताने के। जब हम निगमनात्मक विधि के अंदर हमने कक्षा में पहले ये नियम पढ़ा दिया, उसके बाद फिर एक सवाल दिया विद्यार्थियों को कि दो एक त्रिभुज है, उसकी दो भुजाएं समान है, ठीक है, और उसके दो कोणों का मान आपको निकालना है, या तीन चीज़ें पता है तो जो अज्ञात है उसे ज्ञात करना है। तो इस तरह के जब सवाल देते हैं हम कि कोण ए का मान पता है, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए, एक भुजा पता है, तो इस नियम का अनुप्रयोग करते हुए आप किस तरह से दोनों कोणों का माप निकाल सकेंगे। तो यह जब कर रहे हैं हम निगमनात्मक विधि में जा रहे हैं कि हम पहले तो हमने नियम बताया, बाद में उस पर आधारित सवाल बताया। जैसे आपने गणित में देखा है कि हमने प्राथमिक कक्षाओं में बताया कि जो हमारी गति का सूत्र होता है, गति बराबर दूरी बटा समय, ये एक सूत्र सभी ने हमने पढ़ा है। तो हमने पहले सूत्र बता दिया, उसके बाद हमने कहा कि गति ज्ञात कीजिए, दूरी इतनी है और इस दूरी को चलने में लगा गया समय इतना है, तो आप गति ज्ञात कीजिए। पहले सूत्र बताया, उसके बाद उसके ऊपर संबंधित समस्या दी या सवाल दिया, तो ये निगमनात्मक विधि हुई। लेकिन इसके विपरीत हम आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड से भी इस नियम को पढ़ा सकते थे। कैसे पढ़ाते, उस समय हमें यह करना था कि हम विद्यार्थियों से कहते कि अपनी अपनी पुस्तिका लीजिए, उसमें तीन तरह के त्रिभुज का निर्माण कीजिए, अलग अलग तरह के तीन त्रिभुज बनाइए, कोई छोटा त्रिभुज, कोई बड़ा त्रिभुज, कोई उससे ज़्यादा बड़ा त्रिभुज, लेकिन समद्विभाजित त्रिभुज का निर्माण कीजिए जिसमें दो भुजाएँ समान हो, और उसके बाद फिर अपने चांदा या प्रोटेक्टर की मदद से उसके विपरीत कोणों को देखिए, जो दो भुजाएं हैं समान हैं उनके विपरीत कोणों की गणना कीजिए, और फिर उन तीनों में से ये देखिए कि क्या समानता आ रही है। और विद्यार्थी खुद निष्कर्ष निकालता कि यदि भुजाओं की लंबाई समान है तो उनके विपरीत कोणों का मान सदैव समान आ रहा है। इसे सर हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए हम सभी ने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। जी, लेकिन इसको यदि हम आगमनात्मक विधि से पढ़ाना चाहें तो उसके लिए बेहतर होगा कि हम विद्यार्थियों को कहें कि अलग अलग आकार के तीन त्रिभुज बनाइए, तीन बनाइए, चार बनाइए, दस बनाइए, और उन तीनों के कोणों का माप करके एक निष्कर्ष निकालिए कि तीनों के कोणों का माप क्या आता है। क्या दुनिया के सारे त्रिभुजों के कोणों का मान 180 डिग्री आता है? उनकी कॉपी में जितने भी कोण बनाए सबका मान 180 डिग्री आ रहा है? तो विद्यार्थी आगमनात्मक विधि से इस नियम को खुद निष्कर्ष निकाल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान सदैव 180 डिग्री रहता है। तो आगमनात्मक विधि में विद्यार्थी ने सक्रिय रूप से भाग लिया और उसने खुद ने निष्कर्ष को निकाला। और इसके विपरीत यदि हमने पहले बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसके एक कोण का मान है 30 डिग्री, दूसरे का है 60 डिग्री, तो आप निकालिए कि बचे हुए तीसरे कोण का मान क्या होगा या कितने उसकी कितने डिग्री का वो कोण है। जी, तो इस तरह से वो हुआ निगमनात्मक विधि। तो दोनों विधि अपने आप में महत्वपूर्ण है। निगमन की जो विधि है ये किन किन विषयों में ज़्यादा उपयोगी हो सकती है? दोनों ही विधि अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कि आगमन एवं निगमन एक दूसरे की पूरक विधि है। जैसे गणित विषय में इसका ज़्यादा प्रयोग हम अनुप्रयोग हमें देखने को मिलता है कि गणित के सारे जितने भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, ये निगमन विधि के पर आधारित हैं। और
जब कोई हम निष्कर्ष निकालने के लिए जो अवधारणाओं के उदाहरणों का प्रयोग करते हैं वो आगमन विधि पर आधारित है, किंतु हम ऐसा नहीं कह सकते कि निगमन विधि ठीक नहीं है, खराब है, और आगमन विधि अच्छी है, या आगमन विधि खराब है, निगमन विधि अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। जब हमें निष्कर्ष पर पहुंचना है तब हम आगमन विधि का प्रयोग करेंगे, और जब उस निष्कर्ष का सत्यापन करना है तो हम निगमन विधि का प्रयोग करेंगे। सत्यता की परख के लिए निगमन विधि अधिक उपयुक्त है। अधिक उपयुक्त है, बहुत अच्छा। निगमन की विधि को हम किस स्तर के बच्चों को, मान किस आयु वर्ग के बच्चों में ज़्यादा उपयोगी पाते हैं? सर, निगमन विधि के लिए जैसे आगमन में हमने कहा प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त है, लेकिन बड़ी कक्षाओं में निगमन विधि का प्रयोग ज़्यादा होता है, किंतु दोनों विधि साथ साथ चलती है। जहाँ पर कभी प्राथमिक कक्षाओं में आगमन विधि का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो बड़ी कक्षाओं में हमें निगमन विधि का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन आगमन विधि वहाँ पर बड़ी कक्षाओं में भी प्रभावी है। जैसे कि यूनिवर्सिटी कक्षाओं में भी आगमन विधि प्रभावी है, लेकिन उसमें एक सीमा है, सारे प्रकरणों को हम एक ही विधि से नहीं पढ़ा सकते। अगर हम सारी अवधारणाओं को, सारे नियमों को, सारी संकल्पनाओं को, सारे सिद्धांतों को सिर्फ आगमन विधि से नहीं पढ़ा सकते, कहीं कहीं पे हमें निगमन की सहायता लेनी पड़ती है, और निगमन विधि अधिक प्रभावी होती है उस परिप्रेक्ष्य में। तो यूँ कहें कि आगमन और निगमन की जो विधियाँ हैं ये आयु विशेष के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त होती है, खास आयु विशेष के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। आपने बताया प्राथमिक कक्षाओं में इसका इस्तेमाल हो सकता है, और आपने यह भी बताया कि कुछ विषयों में ये अधिक उपयुक्त है, और यह टॉपिक विषय वस्तु आधारित भी है, कुछ टॉपिक्स में ये ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। जी हाँ सर। यदि मैं दर्शकों के लाभ के लिए आपसे कहूँ कि आगमन और निगमन की विधियों की प्रमुख बातों को आप एक बार अंडरलाइन कर दें उनकी सुविधा के लिए, तो शायद उनको ज़्यादा उनके लिए फ़ायदे की बात होगी। जी सर, हम एक एक करके देखते हैं। हम पहले जाएंगे कि आगमन विधि की मुख्य मुख्य बातें या मुख्य बिंदु कौन सी हैं। कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आगमन विधि के जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि आगमन विधि विशेष घटना से सामान्यीकृत निष्कर्ष पर पहुँचने की विधि है, या उदाहरणों से सामान्यीकृत की ओर जाती है, या विशिष्ट से सामान्य की ओर जाती है, यह एक महत्वपूर्ण गुण है आगमन विधि का। यह आगमन विधि एक विश्वस्त प्रक्रिया से सामान्यीकृत निष्कर्ष या सूत्र पर पहुंचने की विधि है। जी, है ना, एक विश्वस्त प्रक्रिया है जिसमें यह सामान्यीकृत निष्कर्ष या सूत्र पर पहुंचती है। यह मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाती है हमें। जी हाँ। और हम अगर गुण देखें इसमें आगमन विधि के, तो यह विद्यार्थियों में अवलोकन को प्रोत्साहित करती है। यह समान तत्वों और समानता को पहचान कर निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करती है विद्यार्थियों की। और आगमन विधि अन्वेषण में सहायक होती है, खोज करने की जो प्रवृत्ति विद्यार्थियों में, उसमें यह सहायक है कि उनमें इस तरह की प्रवृत्ति का विकास करें, क्योंकि उन्हें खुद खोजना होता है निष्कर्ष को। यह सूत्र, नियम एवं अवधारणा के जब विद्यार्थी समझ जाता है, जब उसे प्राप्त कर लेता है, संकल्पना की प्राप्ति हो जाती है, यह सूत्र, नियम एवं अवधारणा को समझ जाता है, तो इस विधि को हम तब कहेंगे कि यह निष्कर्ष निकालने में सफल होती है। तो निष्कर्ष की ओर पहुँचाने में आगमन विधि इस तरह से सहायता करती है। इसके बाद हम देखें निगमनात्मक विधि के मुख्य बिंदु। तो निगमन जो विधि है हमारी, यह सूत्र, नियम और अवधारणा से शुरू होकर समस्या के हल पर समाप्त होती है, और यह विधि समस्या समाधान में प्रयोग के योग्य है, क्योंकि समस्या समाधान में हमको कई विकल्पों पर प्रयोग करना, विचार करना होता है, तो यह निगमन के द्वारा अधिक संभव है। तो सामान्य से यह विशिष्ट की ओर ले जा रही है, क्योंकि सामान्यीकरण में हमारे पास सूत्र है, नियम है, सिद्धांत है, और उससे चलकर हम विशिष्ट की ओर जाते हैं, तो हमें निगमनात्मक विधि अधिक सहायता करती है। और यह विधि हमें अमूर्त से मूर्त की ओर ले जा रही है, जो हमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाने का काम हमें निगमनात्मक विधि करती है। और इसमें निगमनात्मक विधि में सिद्धांत, नियम और तथ्य की सूचना दी जाती है, और सत्यता की जब हमें जाँच करनी है, जब हमें कोई निष्कर्ष निकाला है, जब कोई नियम हमने समझा है, तो उसकी सत्यता की जाँच हमें निगमनात्मक विधि से करनी पड़ती है। और समस्या समाधान के लिए निगमनात्मक विधि अधिक उपयुक्त है, और आगमनात्मक निष्कर्ष सही है या नहीं यह तो हमें निगमनात्मक विधि से ही पता चलेगा। इसके साथ हम कह सकते हैं कि निगमनात्मक विधि की एक यह विशेषता है कि यह कोई स्थापित सूत्र है, कोई नियम है, या कोई सामान्यीकरण है, तो उसका उपयोग करके हम समस्या का समाधान कैसे करें। हमें यदि पहले से कोई सूत्र ज्ञात है गणित का, तो उस गणित के प्रयोग करते हुए किसी समस्या को कैसे सुलझाएं। समस्या यानी कोई सवाल भी हो सकता है,
या कोई दिन प्रतिदिन की समस्या भी हो सकती जी, है जी। तो उसको सुलझाने में, उसके समस्या को हल करने में हमें निगमनात्मक विधि हमारी सहायता करती है और ये सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाती है और हमें सत्यता की जांच में सहायक होती है निगमनात्मक विधि। तो हम कह सकते हैं सर कि आगमनात्मक विधि से हम ये निष्कर्ष सही है या नहीं हमने निगमनात्मक विधि से पता किया जी। और आगमन के द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही है या गलत है ये हमें निगमन से पता हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अनुदाशनात्मक विधियाँ, दोनों विधियाँ अपनी जगहों पर सही है और दोनों एक दूसरे की पूरक है। लेकिन प्राथमिक कक्षाओं में मैं अपने शिक्षक साथियों से यह कहना चाहूँगा कि वे आगमन विधि का अधिक प्रयोग करें ताकि विद्यार्थी सजग होके, सहज होके और पूरी सक्रियता के साथ, पूरी रुचि के साथ अध्यापन में और ये अध्ययन कार्य में, अधिगम कार्य में रुचि ले सकें, सीख सकें और आनंद के साथ उस चीज़ को सीख सकें। धन्यवाद डॉक्टर हितेश। डॉक्टर हितेश ने आज हमें बताया कि आगमन एवं निगमन की विधियाँ क्या हैं, इन विधियों का उपयोग कर हम कैसे एक प्रभावी शिक्षण कर सकते हैं कक्षाओं में, आगमन एवं निगमन विधियों की विशेषताएं क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है और इन दोनों विधियों को मिला करके हम किन किन वर्गों में, किस किस टॉपिक में हम इनका उपयोग करके अपने शिक्षण को बहुत ही आदर्श और छात्र के अनुकूल बना सकते हैं, छात्र की रुचि के हिसाब से बोधगम्य बना सकते हैं और इस तरह से हमारा वर्ग कक्ष, हमारी पढ़ाई लिखाई कितनी सार्थक और प्रभावी हो सकती है। तो डॉक्टर हितेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।